सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ निष्क्रिय शिक्षकों की वजह से शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार नहीं आ पा रहा है। ऐसा ही एक मामला डोंगरगांव ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला किरगी में सामने आया है, जहां पदस्थ के एक शिक्षक कमल कुमार जोशी के द्वारा सामूहिक नकल कराए जाने का आरोप ग्रामीण एवं शाला प्रबंधन समिति ने लगाया है। डोंगरगांव ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला किगरी में पदस्थ एक शिक्षक कमल कुमार जोशी सामूहिक नकल करवा रहे थे। यह आरोप ग्रामीण एवं शाला प्रबंधन समिति ने उन पर लगाया है। इतना ही नहीं, जब शिकायत के बाद शाला प्रबंधन समिति के लोग निरीक्षण करने के लिए स्कूल पहुंचे, तो शिक्षक कमल कुमार जोशी ने किसी को भी स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। उसने यह कहकर सभी को भगा दिया कि आचार संहिता लगी है, इसीलिए आप स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते। वहीं मामला प्रकाश में आने के बाद इस पूरे मामले को लेकर डीओ ने जांच करने की बात कही है। सामूहिक नकल का आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने एवं शाला प्रबंधन समिति ने लगाया है। क्या कुछ मामला है, आइए सीधे जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाला प्रबंधन समिति के कुछ सदस्य हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। जी बताएं। जी, हम लोग जब पेपर एक तारीख से चालू हुआ ना, तो दो दिन हम लोग यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए, तो दो दिन हम लोग पूरा हर क्लास में जाकर निरीक्षण किए, कुछ नहीं बोला। एक दिन जस्ट तीसरा दिन आए तो बोलता है अभी आचार संहिता लगा है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। और ऐसी रोज का घटना है, 8, 8:30, 9 बजे तक रुकते हैं, तो बच्चे लोग कुछ बनाए नहीं रहते। और जैसे हमारे जाने के बाद पूरा पेपर में पूरा लिख डालते हैं, बच्चे लोग पूछते हैं तो बता नहीं पाते ना, लेकिन पेपर में पूरा भर डालते हैं। बीओ सर से भी कल बात की मोबाइल से, वो भी वही बोल दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया कि नहीं आचार संहिता लगा हुआ है, हम लोग आचार संहिता में आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो एसएमसी में जब बुद्ध करता बैठक हो, तब हमारे मिडिल स्कूल के अध्यक्ष महोदय जी गए थे ट्रेनिंग में, तो उसमें बताया गया है कि शाला समिति के अध्यक्ष और एसएमसी के हर सदस्य स्कूल में कभी भी आकर आप बच्चों का गुणवत्ताहीन खाना कैसा बन रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर मैडम लोग टाइम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस टाइप से हर साल प्रशिक्षण होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग आते हैं देख रेख करने के लिए, तो सर लोग हम लोग को नियम बताते हैं कि आप अभी आचार संहिता का नियम बताएं कि आप आचार संहिता लगा हुआ है, आप निरीक्षण में नहीं जा सकते। ये तो थे शाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारीगण। इनका कहना है कि शाला विकास समिति को एक राइट होता है, वो निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन संबंधित शिक्षकों ने यह कहकर उन्हें भगा दिया कि आचार संहिता लगा हुआ है, आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। हालांकि इस संबंध में डीओ साहब का रिएक्शन नहीं आ पाया है। विद कैमरा पर्सन तारस के साथ दखल न्यूज के लिए राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।